पांच चुनावी पंडितों ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है और उसके मुताबिक कांग्रेस के अशोक गहलोत रहेंगे या जाएंगे। पांच एग्जिट पोल्स में से कितने गहलोत के साथ हैं और कितने खिलाफ? चुनावी पंडितों की नजर में गहलोत ये चुनाव हार रहे हैं। सिर्फ एक चुनावी पंडित है जो 199 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत के 100 के करीब तक गहलोत को ले जा रहा है। बाकी चारों का साफ कहना है कि गहलोत जा रहे हैं और बीजेपी की महारानी आ रही है। राजस्थान में बीजेपी की रेत की आंधी का दावा करने वाले पहले चुनावी स्वयंभू पंडित हैं रिपब्लिक टीवी और मैटराइज। ये बीजेपी को 115 से 130 सीटों का प्रचंड बहुमत दे रहे हैं। इनकी भविष्यवाणी ये है कि गहलोत की कांग्रेस सिमट जाएगी सिर्फ 65 से 75 सीटों में और अन्य को मिलेंगी 12 से 19 सीटें। दूसरे चुनावी पंडित जो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दे रहे हैं ये हैं टाइम्स नाउ और ETG। इनके मुताबिक बीजेपी को 108 से 128 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 100 भी नहीं छू पाएगी, उसे मिलेंगी सिर्फ 56 से 72 सीटें। ये पंडित जी भी अन्य पार्टियों को 13 से 21 सीटें दे रहे हैं, यानी जिसे भी मजबूत सरकार बनानी हो वो अन्य पार्टियों के इन उम्मीदवारों जो जीतेंगे उन पर डोरे डालेगा। वहीं तीसरे चुनावी पंडित हैं ABP न्यूज और सी वोटर। ये भी गहलोत को विदा कर रहे हैं। इनकी सीटों की रेंज काफी ज्यादा है। ये बीजेपी को दे रहे हैं 94 से 114 सीटें, जबकि कांग्रेस के हाथ पकड़ा रहे हैं 71 से 91 सीटें। यानी जो भी कर ले कांग्रेस बहुमत से दूर ही रहेगी राजस्थान में। वहीं अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जा रही हैं। चौथे चुनावी पंडित दोनों पार्टियों की सेंचुरी मार रहे हैं। ये हैं TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट। बीजेपी को ये 100 से 110 तो कांग्रेस को 90 से 100 सीटें दे रहे हैं। अब कहने को बीजेपी आगे है, लेकिन ये पंडित दोनों के बीच कांटे का मुकाबला बता रहे हैं। पंडित जी अन्य पार्टियों को 5 से 15 सीटों में निपटा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर दोनों पार्टियां 90 से 100 सीटों के बीच झूलती रहीं तो ये अन्य ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। अब बचा पांचवा चुनावी पंडित जो गहलोत पर थोड़ा मेहरबान है, इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया। ये कांग्रेस को 86 से 106 सीटें दे रहे हैं, जबकि बीजेपी को 80 से 100। यही इकलौता पंडित है जो मायावती के लिए भी राजस्थान में दरवाजे खोल रहा है। उनकी BSP को 1 से 2 सीटें दे रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में भी अच्छी खासी यानी 8 से 16 सीटें डाल रहा है। कुछ सीटें इधर उधर हो गई तो अन्य पार्टियों की चांदी है और समर्थन के बदले उन्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैंने अभी देखा आज तक का सर्वे, इंडिया टुडे का सर्वे, बाकी चैनल्स के भी मैं देख रहा हूँ, तो कांग्रेस विन कर रही है। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है, जबकि बीजेपी खुद खतरे में आ जाती है। डराती है, कहती है हिंदू को मुसलमान बना देंगे, कभी हिंदू मुसलमान बनाएगा? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनके जनकल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी।